सुप्रभातम बच्चों, आपका संस्कृत कक्षा में स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रथम पाठ है जिसका नाम है स्वर वर्ण अयोग वाहो च पढ़ा दिया था। ठीक है, उसका मैंने होमवर्क दिया था आपको अक्षर गीतम, वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, आज हम करेंगे प्रथमा पाठ के अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य में देखिए, प्रश्न एक में दिया है रिक्त स्थानानि पूरयतु। रिक्त स्थानानि का मतलब है नीचे जो खाली स्थान दिए हैं उसको पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है अ आ, ठीक है, ई ई, उ उ, ऋषि, यहाँ बड़ा ऋषि आएगा। ठीक है, लृ, ए ए, ओ औ, अंग अह। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से करना है आपको प्रश्न एक। प्रश्न दो, मेघात स्वरान चित्वा उचित क्रमेण रिक्त स्थाने लिखतु। ठीक है, ये नीचे ही मंजूषा दी हुई है। ठीक है, और ये रिक्त स्थान दिए हैं, आपको इसमें से छाट के यहाँ लिखने हैं। किस तरीके से लिखना है? उचित क्रम संख्या में लिखना है, लाइन वाइज लाइन। ठीक है ना, कौन कौन से मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई थी, ठीक है, उस तरीके से। इसमें क्या आएगा? अ आ ई ई उ उ ऋषि रि। ठीक है, इसमें आएगा लि इसके बाद है ए ए ओ औ। इस तरीके से आपको बोल बोल के लिखना है। ठीक है ना, नंबर एक पे अ, नंबर दो पे आ, नंबर तीन पे क्या आएगा आपका ई, उसके बाद बड़ी ई, छोटा उ, कहाँ है इधर है ये। ठीक है, उसके बाद है बड़ा उ, उसके बाद है ऋषि, ये छोटा ऋषि है, ये बड़ा ऋषि है। ठीक है ना, उसके बाद ली ए ए ओ औ। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें से करना है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है चित्र दृष्ट्वा रिक्त स्थाने प्रथमम अक्षरम लिखतु। चित्र को देख के आपको प्रथम मतलब पहला अक्षर लिखना है। ये क्या है, चित्र क्या बना है? ऋषि, इसमें क्या आएगा? ऋषि। ठीक है, ये क्या है? ऊन, तो इसमें आएगा ऊणम। ये क्या है? ईट, इसमें आएगा ई इष्टिका। ये क्या है? भगवान जी है, ईश्वर ई। ये है आम, आम्रम। ये हाथी है ना, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? ऐरावत। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए। ये क्या है? औषधि, औषधम। औ आएगा, औ। उसके बाद ये अंगूठा है ना, इसमें क्या आएगा? अंग। इसके बाद ये अजह। ठीक है बेटा, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है।